सलार और प्रभास की भूमिका के बारे में क्या पुष्टि की है? क्या फिल्म सलार में प्रियंका चोपड़ा प्रभास के साथ एक गाना शूट करने वाली थी? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री। बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार उर्फ बाहुबली फिल्म के मुख्य लीड स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म सलार के बारे में। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में प्रभास अभिनेत्री श्रुति हासन के साथ काम कर रहे हैं। सलार एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। फिल्म में प्रभास और श्रुति हासन मुख्य भूमिकाओं में हैं। KGF फिल्म निर्माता प्रशांत नील की बाहुबली स्टारर प्रभास के साथ उनकी अगली भारतीय फिल्म सलार के लिए टीम की घोषणा ने पूरे भारत के फिल्म प्रशंसकों के बीच विशेष रूप से कन्नड़ और तेलुगु फिल्म उद्योगों में काफी उत्साह पैदा कर लिया है। प्रभास में अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत है। वह एक ऐसे मंजे हुए अभिनेता है जो अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। कई अन्य अभिनेताओं के साथ यह चीज को हासिल करना बहुत मुश्किल है। प्रभास के पास जो मासूमियत है वह ऐसी चीज है जो निर्विवाद है, और उस बिंदु से मासूमियत को बाहर निकालना कुछ ऐसा होगा जो स्क्रीन पर दिखाने के लिए शानदार है। फिल्म सलार में प्रभास के चरित्र के बारे में बात करते हुए निर्माता प्रशांत नील ने बताते हैं कि जिस चरित्र को वह चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत डार्क है। हम शुरू से ही बहुत विस्तार करने की कोशिश किए बने हैं। फिल्म की प्रकृति के बारे में बात करना चाहते थे। उनके मुताबिक शब्दों के बिना इस तरह की एक छवि भी उसे सेना में होने का सुझाव दे सकती है। वह इसलिए भ्रम नहीं चाहते थे, इसलिए उसे इस लुक के साथ कैप्शन मिला। उनके अनुसार उनके पास अभी विश्व युद्ध या इन फिल्मों में से किसी भी चीज का उपयोग करने की कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए उनकी मूल भावना यह है कि कल नायक जितना मजबूत होगा नायक भी उतना ही मजबूत लगेगा। फिल्म सलार में वह एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां दोनों किरदारों को मजबूती प्रदान होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रभास के साथ एक गाने में बॉलीवुड डीवा प्रियंका चोपड़ा भी नजर आ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि निर्माताओं ने डीवा के पास जाने का फैसला किया था ताकि डांस नंबर के साथ एक व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रियंका लेकिन तब नेटफ्लिक्स फिल्म द व्हाइट टाइगर पर काम कर रही थी जो कि रमन बरानी द्वारा निर्देशित है, जिसमें आदर्श गौरव, राजकुमार राव और पेरी कर्पनोस भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। वह अगली बार साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म मैट्रिक्स 4, अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा टेक्स्ट फॉर यू और सीरील नामक एक श्रृंखला में नजर आएंगी। फिल्म के टाइटल सलार की बात करें तो सलार शब्द की कई व्याख्याएं हैं। यह एक अधिक बोलचाल का शब्द है और फिल्म के मेकर नील के मुताबिक इसका मतलब है राजा की दाहिने हाथ का आदमी। अब देखना यह बहुत ही मजेदार होगा कि बाहुबली प्रभास की फिल्म सलार सिनेमाघरों में क्या कमाल दिखाती है। हमें आप अपना जवाब कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है कीर्ति शर्मा।